हेलो, हाय, नौश, व्लॉग खत्म होने वाला यार. क्या? जी, यू हैव बीन अस्लीप दिस होल टाइम. वी आर डन विद द व्लॉग. विदाउट मी? नो, यू वर इन इट बट यू वर स्लीपिंग. सो व्हाट? सो नाउ यू आर अवेक, सो यू कैन टेक पार्ट प्रॉपर्ली बिफोर इट एंड्स. व्हाट डू यू मीन? व्हाट डिड यू गाइस रिकॉर्ड? यू हैड नाश्ता बट obviously वो मुंह में नहीं जा रहा था. obviously वो sleeping है. मैं क्या करता? Say hi to your fans. Assalamu alaikum. Welcome to my family and my life. Whatever I'm going to do from now onwards, आप लोग मेरे साथ हैं. आप लोगों को बहुत गिला होता है ना कि Naushinja is very private. We'll break that ice. I love you guys. Hi. I had to wake her up for this. Sorry. Right in front of Delhi Gate. I think this is very nice. This is the first time I'm coming here. There are a lot of people. I have to shout, but I am slightly overwhelmed. Pehli dafa Lahore ka Delhi Gate. Delhi hai. Delhi is the right word. अब मुझे नहीं पता इसको दिल्ली कहना चाहिए या दिल्ली कहना चाहिए. पर यार, इस जमाने का बना हुआ है, तब दिल्ली होता था. दिल्ली बहुत बात करता है. एंड माशाल्लाह देन दे हैव व्हिच इज ब्यूटीफुल, व्हिच इज एंड पाकिस्तान फ्लैग टू शो के मुगलों का नहीं है. अब ये मुगलों का नहीं है, अब ये हमारा. लेट्स गो गाइस, लेट मी जस्ट, ही इज गोइंग टू शो अस अराउंड. अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप? बात करेंगे मुझसे या कैमरा शाय है? मैं कराची से हूँ और आपके अंदरून शहर का लाहौर, दिल्ली लाहौर का बहुत सुना हुआ था, तो मैंने कहा चलें ये काम तो करते जाएं. एक ब्लॉग अभी तक तो, अभी तो अंदर आई हूँ, गाड़ी में सो रही थी. इट वाज अ लॉन्ग ड्राइव. ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये हुक्के की चिलम बोलते हैं. हाय, हुक्के की? ये तैयार है. आई थिंक ऑल द क्या कह सकते हैं, फ्लेवर्ड. सो ये इसमें फ्लेवर होता है. ये है क्या चीज? तंबाकू है ना, इसमें डलता है. टबैको है? आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. आई सी यू गाइज इन अ बिट, मे बी व्हेन आई एम कमिंग बैक. हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? थैंक यू. नो, प्लीज. Yeah. You said, I just wanted to ask you guys, what are you guys doing here? We are shooting here for an ad. You guys are shooting here for an ad? Yeah. Okay. All right. How are you? Hey, sweetie. Yeah. Hi. Do you like the place? Is this your visiting from Karachi? I am visiting from Karachi. This is my first vlog, which is for my channel. And I thought, why not start it with Andhroon? That's very nice. The heart of the place, you know. I'm showing you the one inside the Shahi Hammam. Yeah. Yeah. So we just visited that. It's a beautiful sight. Okay, lovely, lovely. Yeah, chalo, you guys take care and best of luck. Enjoy I'm gonna. Your day in Lahore, yeah? I hope so. ठीक है. लस्सी. तो कराची वालों की खिदमत करेंगे कि नहीं? करेंगे. थोड़ी सी पिला दें फिर. पिलाएंगे किस पे? Okay. Guys, I'm going to try. Let's see. I hope I'm not going to pass out after this. You already been passed out for today, so you're going to be... Am I? Yeah, really? You were just sleeping. Makan. No. No makan. Anybody behind the camera needs it? You guys need it? No? You need it? पक्की बात? बार बार नहीं पूछूंगी. ऑलराइट, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. मुझे चेयर दे दें, ऐसे तो खड़े होकर. सो हाउ इज इट? इट्स एक्चुअली नाइस. डू यू वांट द मक्खन इनसाइड? नो. Thank you. I'm done.
you very much. Yeah. Where? Nasta place. Yeah. Here and there's this background. Okay. What are we guys doing? पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, कोई गल नहीं, ऐसे और चंगी गल है। ये क्या है मुझे जरा बताएं ना अपने अंदरून शहर के बारे में, ताकि कराची के लोगों को भी पता चले कि यहाँ क्या होता है। ये बस सारा पारे होता सकते हैं इधर। ओके, and what about these rice? ये इनका क्या है, ये ओरिजिनल है, क्या है मतलब, ये कौन कौन से साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं? इसी जगह पे, द सेम शॉप। तो आपने इतने अरसे से जगह क्यों नहीं छोड़ी? ये बस कारोबार शुरू से ऐसे ही हमारा सॉरी कारोबार हमारी शुरू से ऐसे ही इधर ही है। शुरू से ही इधर है, तो आप यहाँ से मूव नहीं होना चाहते? खुश है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। माशाल्लाह, चलें, टेक केयर जी, अस्सलाम वालेकुम। सो द मैन इज रियली हैप्पी। You know what the beauty, बहुत खूबसूरत यहाँ की जो चीज़ अभी तक मुझे, this is really old. Really, really old. And this is the area that the Mughals used to come and their friends used to come and they used to frolic and party and relax, tone down. Okay. This is the place. So they've recently, I think it's been a couple of years, they renovated the place. Uh-huh. And since then it's become a tourist attraction, like you can see their tickets and people go inside. And people, you know, come often. People come often. People come often. Nice, nice, nice. And this is the core of Lahore city. This is, we're right in the middle of Andhroon Shahar. Okay. So we're next to Delhi Gate. Where is Bhajje Ke Paaye? Bhajje Ke Paaye is not too far off, but that is in Heera Mandi, which is right next to the... Okay, well, what's the story of this Heera Mandi, I would like to know. So, Heera Mandi was right next to the palace. Okay. ठीक है, लाहौर फोर्ट जिसको अब हम, I would actually like to see it. I had a different, you know, मेरे दिमाग में एक ऐसी चीज थी कि पता नहीं क्या होगा वहाँ पे. It's nothing like you हम जो सोचते हैं. Yeah, that's not what it was like. And see, the culture was very different back in the day because the way we look at these things is kind of negative. Yeah. But उस जमाने में तवाइफ वगैरह, they used to actually be the people who used to teach you adab. Yeah. Right. So people used to send their daughters to learn the manners from them, and their sons to go and learn manners from these women. Yeah. So I mean, it was a completely different sort of culture that they used to have. Uh-huh. But over time, with, you know, capitalism and everything, everything changed and it got a very negative connotation. Okay. अब वो negative connotation दूर होते हुए तो I don't know, probably not going to happen during our lifetime. Hope but so. The place still retains the charm. It still has, it's right next to these most picturesque, you know, surrounds. Yeah. We're not there right now, but we're still in the vicinity of that place. So Delhi Gate has its own beautiful mosque. Okay. Which is the Wazir Khan Mosque that we shall. I heard about. Next. Yeah, yeah. Yes. Inshallah. And we're literally steps away from it. Okay. But as you can see, I can even see from here, there are houses with jharokas, even if they're coming off. Yeah. See that? The red, the green. That one? Yeah. Yeah, I can. So a lot of the houses have been, the ones that have been new, yeah, they don't look so good. The ones that are as ancient as possible, they look amazing. And that's just the aura of that time. The Mughal era had this artistry about it. The people love the architecture. What is the most important thing about the city, about Lahore? About something Lahore. That is defines Lahore. The something is Lahore, Lahore hai, but jinhein Lahore nahi dekha woh jamya nahi. Jamya nahi. Matlab more important than that. Hum toh paida hoke yahan khade hain, aaj dekh rahe hain proper Lahore. Then now you're alive, man. I mean, come on. I was sleeping on. You were sleeping on the way, and you came here, and now you are enlightened and awake. So interesting. That's the good thing. Naked men used to come and, you know, really with each other. No, but just explain this to me. What is it? So we're going to go inside and make sure that you have the right temperature, you have the water and everything. I'm so sorry, guys. Hamari jo language hai, jo sakafat zaban hai, wo Urdu hai. To tera Urdu dan ho yaar. Agar Urdu dan hai, to Urdu dan, Urdu dan ki dikhaiye apni. To bataiye iski baat. Kadeem ki ek जिसे कहते हैं हमाम है। This is for all my Karachi people. I'm so sorry, मैं बात काट रही हूँ। ये दिखाइए जरा यहाँ से। तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि नीचे, क्योंकि हमाम के अंदर पानी होना जरूरी होता है,
में टेम्परेचर सही होना जरूरी होता है. तो उस जमाने से यहाँ पे ये मौजूद है. और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये तुर्की से आया है, क्योंकि टर्क्स का इंफ्लुएंस हमारे पाकिस्तान में इस इलाके में बहुत बाद में आया. तो ये एक हमारे ही इलाके का, पाकिस्तान हिंदुस्तान का एक अजूबा है. Which we are going to walk, we are going to see. Okay. Please explain it to me more. So okay. This is the original Never, brick. Okay. And all the rest of it is all renovation. Okay. And you can see there's I hope you guys are having fun with me. This is my first trip. I hope you guys will love the vlog. And if you don't, I'm going to kill you guys. जो कहते नहीं है कि रोमन्स की मोज़ेक्स होते हैं, तो व्हाट मेक्स हमारी चीजें एनी लेस देन एनी ऑफ दैट? नथिंग. ये है कि 100 200 400 साल के बाद उतरना शुरू हो गई है. सो यू हैव टू बेसिकली मेंटेन देम. मेंटेन करना बहुत जरूरी है. और ये एक काविश है, शाही हमाम की भी रेनोवेशन एक काविश ही है कि ये रिटेन हो और अगली जनरेशंस को भी ये चीजें नजर आ सके. नजर आए, सकाफत है बेसिकली. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. आई थिंक दिस मैसेज शुड बी डिलीवर्ड टू द गवर्नमेंट ऑल्सो. पंजाब गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये जिनकी भी वॉल सिटी ऑफ लाहौर की अथॉरिटी, आई थिंक दे शुड डेफिनेटली कंसिडर दिस एंड मेक इट, यू नो, लाइक मेंटेन इट प्रॉपरली. बिकॉज फॉर टूरिज्म आई थिंक दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट. आई थिंक पाकिस्तान इज़ ब्यूटिफुल, स्पेशली जब आप पहाड़ों की तरफ जाते हैं, उस एरिया में उन एरियाज में जाते हैं, हिली एरियाज में, तो दे आर ब्यूटिफुल. आई विल बी डूइंग अ ब्लॉग ऑन दैट ऑल्सो इंशाल्लाह वेरी वेरी सून. बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू से दैट this place, the authorities, they should just consider this place, you know, not just only this place. There are a lot of other places which I'm going to be, you know, discovering and talking about it, and I hope my message delivers to and the right authorities. This has been a really good effort from the and I'm loving it seriously. Because they have roshandan and so they unko pata hai, these are they look more like windows, jo khidkiyan hoti hai na, ये वैसी जगह लग रही है. और इट लुक्स रियली इंटरेस्टिंग. सो ओवर टाइम दे रोडेड एंड लॉस्ट. इट मींस सो दे नीडेड टू बी रेनोवेटेड. यस, रिस्टोर. सो टूरिज्म इज ऑल अबाउट दैट. एवरीथिंग इज जस्ट इन प्लेस. या या, ऑथेंटिक एज पॉसिबल. नाउ यू कैन सी ऑन द इनसाइड. वाओ. Mashallah. Can you okay. Wow. I want you to okay to be my favorite spot. This is amazing. Except the Rawra side, the people, because the area is like that. Exactly, it's peaceful. Busy market tha baba. This looks really cool. Those look like angels, don't they? Isn't that a depiction of something that looks somewhat like angels? Yeah. Should we make a move and just see? देखिए किस तरह की ये छोटी छोटी आर्टवे देखें. ये इसमें आवाज भी आपकी पहुंचती है डिफरेंट तरीके से. बाहर आपको नजर आ रही है, लाइट जो बन रहा है वो भी आपको नजर आ जाएगा यहाँ से. The way they played with sunlight, अब आजकल के जमाने में आर्किटेक्ट उसको उस तरह पता नहीं क्यों यूज नहीं कर पाते. I don't know. I mean, this looks, you know, amazing. बहुत खूबसूरत है. Like really nice. Look at the vibe. It's so nice. They should have a nice cool spa, you know. They should restore this area. So इसको ये तो संभाल के रखने वाली चीज़ें, हमारी सकाफत की चीज़ें हैं. I come to Lahore like many times. मैं बहुत दफ़ा आती हूँ काम के लिए. But this is ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है that you know I'm making my vlog. ये अंदरून शहर जो लाहौर का है वहाँ पर आके. एंड ऑनेस्टली जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो जहाँ जो जो लोग ये चीज़ें जिनको लुक आफ्टर करते हैं,
There are obviously different departments, but I personally feel बहुत ज़्यादा guys बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को आपको रिस्टोर करना चाहिए और इनका ख्याल रखना चाहिए, इनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए. जो चीज़ 2000 साल पुरानी है, ऑब्वियसली आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अब भी वो वैसे ही रहे. सो आई थिंक इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके टूरिज़म के लिए बेहतर बनाया जा सकता है, ना कि सारे पैसे आप अपनी पॉकेट में डालें और आवाम को बेवकूफ़ बनाएं. आई थिंक माई मैसेज loud and clear to a lot of authorities. They've got all this pottery from back in the day. Okay. Still come, they're broke. But even then, look at this. ये देखिए 500-600 साल पुरानी कोई चीज है जो अभी तक in its shape मौजूद है, तो these must have been used for ठंडे हमाम से गर्म हमाम की तरफ आ गए. अच्छा, okay. You know, this is, ये देखें आप guys down, just नीचे देखो. ये बड़ा इन्होंने मॉडर्न बनाया हुआ है. व्हाट्स दिस? ये क्या है? ये आई थिंक ये गरम हमाम में इन्होंने अलग-अलग पर्सनलाइज्ड स्पेसेस भी बनाई होंगी, तो दिस कुड बी वन ऑफ दोस. ओके और हमें इसी एरिया में इनर वर्किंग्स भी नजर आएगा हमाम का, कि उन्होंने नीचे डिग करके उसको किस तरह बनाया है इसके लिए. ये आप देख रही हैं, ये इन्होंने डिपिक्शन दिए कि पानी यहाँ ऊपर से निकलता था, वहां से पानी निकलता था और ये नीचे इधर आता था. कम यहाँ गाइस, पैन, आई वांट यू टू रिकॉर्ड दिस. सो पानी यहाँ से निकल के यहाँ आता था. दीज आर द पीपल. ये और ये है, यहाँ से निकल के यहाँ आना. नाइस, इट्स इजी टू एक्सप्लेन. And what about this thing? What is this? पानी क्योंकि आपको चाहिए इस पूरे एरिया में, गर्म पानी भी चाहिए, ठंडा भी चाहिए, तो ये पानी की आर्टवेज है जो कि अब ओवर टाइम एक्सपोज हो गई है, पहले नहीं थी. अच्छा, एक चीज आपने नोट की है कि ये जो हमें हम जिसके ऊपर चल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो एन अटेम्प्ट टू कंजर्व, कि हम एक्चुअल उसके ऊपर मट्टी के ऊपर या पत्थर के ऊपर ना चले ताकि वो और खराब ना हो. That's the reason. So that's actually pretty awesome. Nice. They could have used better grills, so. They could have. Yeah, but it's nice. At least they're safe. You know, it's like. You see, this ground level. आपको नजर आ रहा है कि ground level. Short. One shot. I want my audience to see it. Look at this. It's all. Wow. Beautiful. Chalo, let's go. We'll just discover more. I'm having a lot of fun and I hope and pray ke aap logon ko bhi itna hi maza aa raha ho jitna mujhe aa raha hai. Abhi we've got a lot to discover. But yeah. This was the Shahi Hammam basically. This was the Shahi Hammam. Delhi Gate, jise hum kehte hain, uske aas paas bhi wo inhone mashallah. ये बाय द वे गर्म पानी की आबशार है जो नीचे आ रही है तालाब के अंदर. अच्छा, जो कि अभी भी ओरिजिनल उसमें, पहले जो हमने देखी थी वो ठंडे पानी की थी. ठीक है, तो यू हैव बोथ बोथ वर्ल्ड. आई वांट यू गाइस टू टेक द शॉट्स ऑफ दिस, टेक शॉट्स ऑफ ऑल दीस थिंग्स. ये क्या है जी? इसके पिलर जिससे पानी गर्म और वो ये सारे पानी गर्म करने के लिए थे. इसके अलावा इसके पीछे अच्छा इसकी टैंक. और ये कितना पुरानी जगह है? साढ़े चार सौ साल पुरानी जगह है. और ये बस जो थोड़ा आपने जो रेनोवेट किया है, बाकी ये सारा ओरिजिनल पुराना है. अच्छा, ओके. चीजें आपने देखी थी वो उसके अंदर बॉक्स के अंदर पड़ी हुई थी, वो जिसे पंजाबी में रूप घोड़े भी कहते हैं जी, वो चीजें मैंने ये जगह देखी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे बहुत अच्छा लगा है. एंड आई होप के आप लोग जितने भी ये जो ब्लॉग जब देखेंगे तो ये आपको भी अच्छी लगेगी, बिकॉज यू सी आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री
any country in the world कि आप अपनी सकाफत को अपनी पुरानी चीज़ों को संभाल के रखें उनको रिस्टोर करें और रिस्टोर तो हुई भी एक तरह से होती हैं बट यू नीड टू मेंटेन देम यू नो यू नीड टू टेक केयर ऑफ देम इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनी वेज आई लव्ड इट आई लव द प्लेस आई थिंक इट्स अमेजिंग ये यहाँ की जर्नी तो उसको यहीं ख़त्म करते हैं